प्रयागराज जिले के सुराव स्थित एलडीसी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमती गीता अरोड़ा के नेतृत्व में सरोवा तहसील क्षेत्र के कोरोना वॉरियर्स के रूप में ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, मीडिया कर्मी, क्षेत्र पंचायत सदस्य व अन्य समाज सेवियों व अन्य कोरोना योद्धाओं को स्कूल की तरफ से सम्मानित किया गया, जहां स्कूल के प्रबंधक श्री विवेक गुप्ता व श्रीमती पूजा गुप्ता ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी हमारे क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख व पत्रकार, ग्राम प्रधान व अन्य समाज सेवियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर समाज के हित में विभिन्न कार्य किए। इसी क्रम में हमारे स्कूल की तरफ से सभी योद्धाओं को सम्मानित किया। उक्त सम्मान की कड़ी में ब्लॉक प्रमुख सुराव आलोक पांडे व राकेश शुक्ला, पत्रकार मोहम्मद रिजवान सैफ खान सहित कई दर्जन पत्रकार व ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सम्मानित किया। उक्त सम्मान समारोह के मौके पर एलडीसी पब्लिक स्कूल के समस्त अध्यापक व टीचर्स उपस्थित रहे। एलडीसी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, आज हमारे स्कूल में एक फेलिसिटेशन सेरेमनी थी, सम्मान समारोह। हमने अपने आसपास के क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों को यहाँ पे इनवाइट किया। एक डिजिटल लिटरेसी क्या होती है कोविड-19 के टाइम्स में, उसके बारे में उनको बताया और उनका रोल कितना अहम रहा है कोविड-19 को किस सफलतापूर्वक हम लोगों ने जो सफर तय किया है 8 महीने का, क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा भारत गाँव में बसता है और अगर आज एक मोर्टेलिटी रेट इंडिया का सबसे कम है तो इसका श्रेय हमारे ब्लॉक प्रमुख और हमारे प्रधान और यहाँ के लीडर्स और नेताओं को जाता है, क्योंकि बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे अभियान जो भी चलाए, ई ग्राम सेवा, एक ई ऐप चलाया ताकि यहाँ पे लोग डिजिटली जुड़ सके और आत्मनिर्भर बन सके। तो सबसे अच्छा जो कोविड-19 का एक समय रहा उसमें हम सब डिजिटली कनेक्ट हो गए एक दूसरे से और हम आत्मनिर्भर बने। तो सबसे ज्यादा बेहतर जो हमें इस कोविड-19 ने सिखाया है कि हमें कैसे आत्मनिर्भर बनना है, यानी कि शिक्षा, बच्चे स्कूल नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मगर शिक्षा घर तक पहुंच सकती है, स्कूल घर तक पहुंच सकता है। एक्टिविटीज हमने ऑनलाइन कराई ताकि बच्चा किसी भी चीज से वंचित ना रह पाए इस कोविड-19 के समय में।